देश में जहां एक तरफ 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया है और राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के युवाओं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र और राम मंदिर को तैयार करने में कितने ही लोगों ने संघर्ष किया, इसको लेकर जानकारी देने की तैयारी है। दरअसल देश में पहली बार सूरत की नर्मद यूनिवर्सिटी में राम मंदिर के इतिहास को पढ़ाया जाएगा। सूरत की यूनिवर्सिटी में अयोध्या राम मंदिर पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। नर्मद यूनिवर्सिटी के कुलपति किशोर चावड़ा ने इसको लेकर क्या बताया, सुनिए। अपनी भी नर्मद सिंह जाट यूनिवर्सिटी में राम जन्मभूमि के बारे में 30 घंटे का एक सर्टिफिकेट कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। वो हमने हमारी एकेडमिक काउंसिल में रखा है। जैसे पारित होते ही हम ये सर्टिफिकेट कोर्स राम जन्मभूमि के नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये भारत राष्ट्र में ये पहली यूनिवर्सिटी है जो राम जन्मभूमि के इतिहास को पढ़ाने के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जा रहा है। उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 2 क्रेडिट मिलेगी और उनका कोर्स जो है वो 500 रुपया ही हमने रखा है। वहीं हिंदू डिपार्टमेंट के समन्वयक ने इस कोर्स के महत्व को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं को इतिहास पढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया है। इस कोर्स को हमने 2 यूनिट में विभाजित किया है। पहला यूनिट है इतिहास अध्ययन का महत्व, कि इतिहास क्यों पढ़ना है। इतिहास नहीं पढ़ने से या गलत इतिहास पढ़ने से सिविलाइजेशन पर, समाज पर, नेशन पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होती है इतिहास पढ़ने और ना पढ़ने से, ये इसमें मुख्यत्व हमने पहले हम पढ़ाएंगे। उसके बाद भारतीय समाज पर रामायण का क्या प्रभाव रहा है। आप देखोगे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आपको राम और राम की कहानी भारतीय समाज के रग रग में समाई हुई है। तो रामायण का भारतीय समाज के ऊपर क्या महत्व है, कितने प्रकार की रामायण है। जैसे दक्षिण गुजरात में रोम सीतमानी वार्ता इस नाम से रामायण है। तो पहले यूनिट में हम ये पढ़ाएंगे। फिर हम पढ़ाएंगे कि इस मंदिर को किसने ध्वस्त किया, जिसने ध्वस्त किया उस बाबर की बायोग्राफी क्या है, क्यों ये लोग मंदिर तोड़ते थे। जैसे सोमनाथ का मंदिर हमें पता है, अयोध्या का मंदिर पता है, तो मंदिर क्यों तोड़े जाते थे, मंदिर का क्या महत्व है, श्रद्धा तीर्थ स्थानों का क्या महत्व होता है, हम वो पढ़ाएंगे। राम जन्मभूमि के परिपेक्ष में 1528 में जब बाबर ने मंदिर तोड़ा, तब से लेकर कर आने वाली 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इस कोर्स के अंतर्गत पढ़ाएंगे। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी का टारगेट है कि वे करीब 2 लाख बच्चों को शुरुआत से लेकर राम मंदिर बनने तक का 500 वर्षों का इतिहास बताएं।